पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, पिशावर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, इंशाल्लाह फैसला आज ही करेंगे। एडवोकेट काजी जवाद ने दलाल में कहा, मेरे मौकिल को मीडिया से पता चला इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे मगर मौका नहीं दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलदम करार दिया, आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालिबा करते। उधर पीटीआई ने बल्ले के निशान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। बानी चेयरमैन पीटीआई 8 फरवरी इलेक्शन से मुकम्मल आउट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कौमी असम्बली हल्का एन ए नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद कर दिए, अपील खारिज। लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए बानी पीटीआई को क्लियरेंस ना मिल सकी, एन ए 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। पीटीआई की लीगल टीम का ट्रिब्यूनल का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उमेर नियाजी कहते हैं इस फैसले को हाईकोर्ट लार्जर बेंच में चैलेंज करेंगे। उधर यास्मीन राशिद को एन ए 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुतादित बार कोशिश के बावजूद भी मुशर्रफ के वरसा से राबता नहीं हो सका, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके के सजाए मौत बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली खसूसी अदालत को ख़त्म करने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर कहते हैं अपील परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में नहीं सुनी गई, परवेज मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तुलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत और इसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा, रियासत और उसके इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। उधर वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्मे सानी तौसी कर दी। जस्टिस मज़ाहर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ, जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। मेरे बेटों को अगर जाहिद रफीक ने प्लॉट दिया है तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तेदा कर दी। लाहौर में बिलावल समेत तमाम हरीफों का मुकाबला करेंगे। लाडला कभी साइकिल मांगता है, कभी वीडियो कॉल कराने का कहता है। लीगी रहनुमा तातारिक की लाहौर में मीडिया से बातचीत, मजीद कहा मुस्लिम लीग नून ने बहुत मेहनत से मंशूर बनाया है जिसका जल्द ऐलान किया जाएगा। मंशूर में आवाम की राय भी शामिल की गई है। लकी मरवत में नामालूम अफराद ने खानदान उजाड़ दिया, घर में घुसकर फायरिंग, 8 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। मुलजिमान थाना सराय नोरंग की हदूद में वारदात के बाद फरार हो गए। कोहाट इंडस हाईवे पर शरपसंदों का चेक पोस्ट पर हमला। लाची टॉल प्लाजा के करीब 3 पुलिस अहलकार शहीद, एक शहरी भी गोलियों का निशाना बन गया। हमलावरों की तलाश जारी, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेर लिया। व्यापारियों से 4 करोड़ की डकैती की वारदात, रावलपिंडी और चकवाल पुलिस में तनासा खड़ा हो गया। रावलपिंडी पुलिस ने वारदात का इलाका चकवाल में डाल दिया, चकवाल पुलिस ने वारदात अपनी हदूद में मानने से इनकार कर दिया। मुतासरा व्यापारी थाना जातली के बाहर इंसाफ के मंतजर, 7 डाकुओं ने 45 मिनट तक बस को हाईजैक किए रखा, बस में मौजूद व्यापारियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा व्यापारियों का वजीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा। कनकोट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कमरे से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद,
चारों मुलाजिम कमरे में सोए हुए थे। महकमा सेहत के मुताबिक गैस लेके से मुलाजमीन जान बहक हुए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी दिन, मुतअद्दिद हैवी वेट्स के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आज सुनाया जाएगा। NA-130 से नवाज शरीफ के कागजात पर फैसला आज सामने आएगा। NA-132 से शहबाज शरीफ, NA-119 से मरियम नवाज, परवेज इलाही के 422 और 3 कौमी असम्बली के हल्कों से कागजात पर फैसला सुनाया जाएगा। 4 हल्कों से मोनिस इलाही की सियासी किस्मत का फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई के मियांवाला हल्का से अपील का फैसला भी आज सुनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर हाईकोर्ट में समाअत आज से शुरू होगी। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताहाल कोई निशान अलॉट ना किया गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस तीर, मुस्लिम लीग नून शेर, IPP को उकाब, PTI पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी, जमात इस्लामी को तराजू, MKM पतंग, JUI किताब, PTI नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट कर दिया गया। 145 जमातों के निशानात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई। नामजद उम्मीदवारों को मुतलिका इंतखाबी निशान अलॉट करने की हिदायत। ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश पर सजा दी जा रही है। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुझ पर इल्जाम है अपने ऑफिस बॉय के जरिए अरबों की करप्शन की। बतौर वजीर आजम मैंने क्या ऑफिस बॉय का इस्तेमाल किया? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे खिलाफ चपरासी समेत 2 अफराद को वादा माफ गवाह बनाया गया। अच्छाई खत्म तो माशरा खत्म, ताहियात नहली खत्म के सवाल पर कहा अदालत का फैसला है। अवामी खिदमत ही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। आसिफ अली जरदारी का डेरा बुकटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब, कहा सुई में गैस पाइपलाइन डालेंगे, सुई के हर घर को गैस फ्राहम करेंगे। जलसे से खिताब करते हुए सरफराज बुकटी ने कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है, मुल्क के खिलाफ जारी प्रोपोगेंडे की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इस वक्त सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासी बादल छुट जाएंगे, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेश गोई, कहा 13 जनवरी के बाद सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, अवाम वोट जरूर डालेंगे। साबिक वफाकी वजीर ने कलम दवात की जीत का दावा भी कर दिया। सानिहा 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की एक और वीडियो मंजरे आम पर आ गई। हमला मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों ने रात को किया। मखसूस जमात के बुलवाइयों की कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमले के मनाजिर वासे हैं। शरपसंद वासा लाहौर के ट्रक को छीनने के बाद CSD का गेट तोड़ते नजर आ रहे। मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी। शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल, कराची के हलका NA-242 से कौन इलेक्शन लड़ेगा? MQM और नून लीग में मामलात अभी तक तय ना हुए। मुतहदा ने नशिस्त से दस्तबरदारी सूबाई असम्बली से नशिस्तों से मशरूत कर दी। नून लीग हलके की सूबाई नशिस्तों पर भी अपने उम्मीदवार चाहती है। हलके में शहबाज शरीफ, MQM के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल। कराची के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। नून लीग मलिर NA-229 और NA-230 पर मुतहदा की हमायत करेगी। NA-231 में MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। हलका 239 जिला जनूबी में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा होगा। मीरपुर खास, नवाबशाह और सखर की कौमी नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सूबाई नशिस्तों पर मुतहदा के उम्मीदवार आएंगे। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, पंजाब में स्कूल्स खुल गए, तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। शदीद सर्दी के बाइस बच्चों को गर्म लिबास पहनने की हिदायत, पहले रोज बच्चों की तादाद कम दिखाई दी। पूरा मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। गिलगित के पहाड़ों से थर की रेत तक कड़ाके की ठंड।
निजाम जिंदगी मुंजमद होने लगा। बालाई इलाकों में पारा नुकता इंजमा से नीचे। आसकर्दू मुल्क का सर तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद रही। लाहौर में ठंडी हवाओं से शहरियों के दांत बजने लगे। गाजा में सेहूनी सफाकियत मजीद 126 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयां तेज। मुतादिद इमारतें तबाह। रफा में घर पर बमबारी से 15 फलस्तीनी निशाना बन गए। गाजा पट्टी पर रॉकेट्स की बरसात। 12 खानदान मिटा दिए। गाजा के अलक्सा अस्पताल के अतराफ फिर बमबारी। शहदा की मजमुई तादाद 23,210 हो गई। इसराइल के खिलाफ 11 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलेगा। जनूबी अफ्रीका ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर शिकायत दर्ज करवाई। गाजा में नकेल डाल।